ओ गाइस यार जल्दी चलो जल्दी चलो, मुझे इस टट्टे सोनिक से एक बहुत ही पावरफुल गोल्ड सोनिक के अंदर चेंज होना है। गाइस कहाँ पर है मेरे गुरुजी? ओ गाइस यार इनसे मिलिए, ये है सबसे पावरफुल गोल्ड सोनिक। और गाइस ये कितने ज्यादा उस समय, और इनके जूते देखो, इनका हेलमेट देखो। अरे गुरुजी गुरुजी गुरुजी, अरे आप कैसे हैं? अरे मैं बढ़िया, तुम बताओ। अरे मैं कैसे बढ़िया हो सकता हूँ, मेरे पैर आप पैर देंगे। इन पैरों से मैं परेशान आ चुका हूँ क्योंकि मैं तेज नहीं भाग सकता, और मैं सोनिक के ऊपर कल लंकू। प्लीज मुझे बताइए मैं आपकी तरह पावरफुल गोल्डन सोनिक कैसे बन सकता हूँ। तो लड़के मैं तुझे बताता हूँ आज का पहला टास्क, जिससे तुझे मिलेगी मेरी जैसी कुछ पावर्स। तो तुझे इस बिल्डिंग को बचाना होगा। कौन सी बिल्डिंग को? इस बिल्डिंग को। इस बिल्डिंग के हर एक छोर पे लगे हुए हैं बहुत सारे बॉम्ब, और जैसे ही बॉम्ब का टाइमर खत्म होगा ये सारे के सारे बॉम्ब फट जाएंगे, और यहाँ पर इन मासूम लोगों की जान निकल जाएगी। अरे क्या बॉम्ब टाइमर चल रहा है? हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना। अरे आखिर मैं इनको डिफ्यूज कैसे करूंगा? यहाँ पर तुम्हें कुछ ग्रीन कलर के बॉम्ब के फ्यूज मिलेंगे, तुम्हें उसे कलेक्ट करना होगा, और तुम्हें ऐसे 3 फ्यूज कलेक्ट करने। जाओ भागो। ओ गाइस मेरे पास टाइम कम है, बस भाई 10 मिनट का टाइम मेरे पास, अगर 10 मिनट कंप्लीट हो गए तो ये सब कुछ फट जाएगा। गाइस देख लो यहाँ पर कितना बड़ा बम लगा हुआ है यार, अगर ये फटा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और गाइस यहाँ पर दो दो बिल्डिंग है, मुझे दो दो बिल्डिंग के अंदर वो फ्यूज ढूंढना होगा आखिर वो कहाँ पर। और गाइस यहाँ पर इतने सारे लोग काम कर रहे, भाई इनमें से कोई मर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो गाइस यार मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, जल्दी जल्दी ढूंढता हूँ सारे फ्यूजों को। गाइस तुम्हें कोई फ्यूज नजर आ रहा है क्या यार? बताओ मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर। अरे कहाँ पर है भाई साहब, कोई तो फ्यूज दिख जाए मेरे को। अरे कहाँ पर, इस लकड़ी के पीछे? अरे यहाँ पर नहीं है। गाइस यार टाइम बहुत ज्यादा कम है। अरे यार टॉयलेट के नीचे? नहीं यार यहाँ पर भी नहीं। आखिर यार वो फ्यूज मुझे कहाँ मिलेंगे? अरे कहाँ है, कोई दिखा क्या तुम्हें? गाइस मुझे दिख गया एक फ्यूज, देखो इन टॉयलेट्स के बीच में फ्यूज है। सबसे पहले मुझे इन टॉयलेट के डब्बों को यहाँ से हटाना होगा। तो गाइस यार मैंने दोनों डब्बों को यहाँ से हटा दिया। चलो गाइस ये रहा फ्यूज, जल्दी से इसे कलेक्ट करता हूँ। गाइस यार तुम्हारे भाई ने यहाँ पर पहला फ्यूज कलेक्ट कर लिया, अब सिर्फ 5 बचे हैं यार। इस पूरी बड़ी सी बिल्डिंग में भी मुझे 5 फ्यूज और ढूंढने हैं। गाइस कहाँ पर होंगे कहाँ पर होंगे? एक काम करता हूँ गाइस, मुझे नहीं लगता इस फ्लोर पे एक भी और कोई बम है। मेरे को लगता है मेरे को ऊपर जाना चाहिए, या फिर इधर है क्या कोई? तो फिलहाल तुम्हारा भाई भाई यार सेकंड फ्लोर पर आ चुका है, और भाई साहब मेरे सामने इतना बड़ा बम रखा है। जब यार वो गोल्ड, एक सेकंड मिल गया, वो मिल गया, मिल गया, एक और फ्यूज मिल गया यार मेरे को। चलो इसको कलेक्ट करता हूँ जल्दी से। ओ गाइस यार तुम्हारे भाई ने एक और बम के फ्यूज को कलेक्ट कर लिया, अब सिर्फ भाई साहब 4 बचे हैं बस, उन्हें और मेरे को ढूंढना है यार। दूसरे फ्लोर पे आती है, मेरे को एक और मिल गया। हाँ मैं क्या कह रहा था गाइस, जब यार गोल्डन सोनिक के हमें कैमरा विजन से दिखाया गया था कि यार यहाँ पर एक बम है और उसके पीछे एक और फ्यूज है, वो शायद यार इसी बिल्डिंग के अंदर था। ये एक बम यहाँ पर है तो पक्का एक और बम यहाँ पर होना चाहिए। नहीं यार यहाँ पर नहीं है, शायद वो और ऊपर है। और भाई वहाँ सामने देखो कितने सारे बम है, मेरे को और ऊपर जाना होगा। ऊपर जाने का रास्ता कहाँ पर है यार? ये रहा मिल गया गाइस, ये रही सीढ़ी, ऊपर जाता हूँ जल्दी सी। तो गाइस यार मैं और भी ज्यादा ऊपर आ चुका हूँ, और गाइस देखो यहाँ पर भी दो दो बम है यार। हाँ गाइस ये वाला वो बम है, वो देखो वो रहा फ्यूज, चलो जाके उसे जल्दी से कलेक्ट करता हूँ। ओके भाई ये भी मिल गया। ओके तो गाइस यार अब हमें 3 मिल चुके हैं, 3 फ्यूज हम लोगों को मिल चुके हैं ऑलरेडी, अब मुझे सिर्फ 3 ढूंढने। मुझे गाइस यार कोई फ्यूज नजर तो नहीं आ रहा, मुझे नहीं लगता मुझे वहां पर जाना चाहिए, और ऊपर से मेरा टाइम भी बहुत कम बचा है यार, मेरे को जल्दी जल्दी करना चाहिए। ओके तो गाइस यार ये वाली बिल्डिंग मैंने पूरी छान मारी पर मेरे को एक भी फ्यूज नहीं मिला। और तो गाइस यार अब मैं नेक्स्ट बिल्डिंग के अंदर देखता हूँ, यहाँ पर तो मुझे मिल ही जाना चाहिए फ्यूज। गाइस देखो यहाँ पर एक बम रहा यार, और ये कचरा कितना सारा खिंडा है। ओए एक सेकंड, एक और फ्यूज मिल गया यार, कचरे के पीछे एक फ्यूज छुपा रखा था यार, ये तो मुझे सबसे पहला मिलना चाहिए था। चलो इसको कलेक्ट करता हूँ जल्दी से। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने 4 फ्यूज कलेक्ट कर लिया, अब सिर्फ 2 फ्यूज बचे हैं, और वो पक्का ऊपर वाले फ्लोर पे होंगे। चलो गाइस जल्दी चलता हूँ वहां ऊपर। गाइस कहाँ पर है, कहाँ पर है फ्यूज? तुम्हें कोई नजर आ रहा है यहाँ पर? यार ये तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पर तो कोई भी फ्यूज नजर नहीं आ रहा मेरे को। गाइस कहाँ है फ्यूज, कहाँ है, कहाँ है? ओए एक सेकंड, वहां पर कुछ है। हाँ मेरे को दिख रहा है, देखो वहां पर बीच में बिल्कुल बीचों बीच कुछ है, मेरे को जल्दी से देखना होगा आखिर वो क्या है। अरे यहाँ से जंप लगाता हूँ जल्दी सी। बूम, अरे लग गई यार बहुत बुरी। चलो गाइस यार वहां पर मेरे को फ्यूज दिखा एक, जल्दी चलो जल्दी चलो। गाइस देखो वो रहा एक और फ्यूज। तो गाइस फाइनली मुझे एक और फ्यूज मिल गया, जल्दी से कलेक्ट करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने 5 बॉम्ब के फ्यूज कलेक्ट कर लिए, पर गाइस मेरे पास टाइम तो बिल्कुल भी नहीं बचा, 1 मिनट बची है, और गाइस मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं इस बिल्डिंग के अंदर जाके ढूंढूं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? कोई तो मेरी हेल्प करो गाइस यार, प्लीज प्लीज। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अरे कैसे कैसे? प्लीज मेरे को बताइए आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दे
बॉम्ब को डिफ्यूज करो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि आखिरी वाला फ्यूज कहाँ पर है। ओ गाइस यार तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से लिख दो यार बॉम्ब डिफ्यूज, ये जिससे यार ये गोल्ड सोनिक मुझे बता देगा यार आखिरी वाला बॉम्ब कहाँ पर हो, मैं ये सारे बॉम्ब को डिफ्यूज कर पाऊंगा। जल्दी लिख दो यार, क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। लगता है सभी लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ आखिरी फ्यूज कहाँ पर है। आखिरी फ्यूज असल में यहाँ पर है। ओ गाइस यार आखिरी वाला फ्यूज उस वाली क्रेन के ऊपर है यार, ये तो बहुत ऊंची है और मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है यार, जल्दी जल्दी भागना होगा मेरे को, भागो भागो जल्दी। गाइस यार अभी तो मुझे क्रेन के ऊपर भी चढ़ना है, जल्दी यार बहुत ऊंची ट्रेन है, भागो भागो यार, अगर ये टाइम निकल गया तो भाई मैं फेल हो जाऊंगा, जल्दी जाना होगा मेरे को और तेज और तेज। फाइनली गाइस तुम्हारे भाई टॉप पे आ गए और बस 10 सेकंड बचे हैं सिर्फ, जल्दी फुल स्पीड में भागना होगा। ओ नो 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 भाई पहुंचना है, पहुंचना है, जल्दी पहुंचना भाई। 4 तो खत्म, टाइम हो गया, काट गया, मैं बस पहुंच गया और ये मैंने कलेक्ट कर लिया फाइनली। ओह वाओ गाइस फाइनली तुम्हारे भाई ने सारे फ्यूज कलेक्ट कर लिए और ये सारे बॉम्ब डिफ्यूज हो चुके हैं, बच गए भाई साहब, वरना ऐसे तैसे हो जाती। ओह गाइस ये क्या हो रहा है, मुझे ये क्या हो रहा है गाइस, ये क्या हो रहा है। ओह गाइस यार देखो मैं अपग्रेड हो चुका हूं एक सोनिक के अंदर, एक नॉर्मल सोनिक के अंदर। यार देख रहे हो मेरे पास भी जूते आ चुके, पहले मैं नंगे पैर भागता था, नाइस चलो नीचे चलते हैं। ओह भाई साहब फाइनली मैंने पहला टास्क कंप्लीट कर दिया, नहीं मर गया। अरे भाई मजा आ गया, जिमी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ अगले टास्क पर। अरे भाई साहब ये कहाँ चले गए गोल्ड सोनिक, अरे पूरा गोल्ड सोनिक, चलो यार गोल्ड सोनिक के पास चलता हूँ। अरे गोल्ड सोनिक अब मुझे क्या करना है आपकी तरह अपग्रेड होने के लिए। तुम बहुत ज्यादा लेट हो, तुम्हें जल्दी से मदद करनी होगी हमारी। क्यों क्या हो गया ऐसा? असल में गांव के अंदर कोई वायरस फैल चुका है जिसके कारण बहुत सारे लोग बीमार हो चुके हैं, तुम्हें उनमें से एक आदमी को यहाँ लाना होगा और एक डॉक्टर को गाँव के को, जिससे उनको हम सिखा सके कि वायरस से कैसे लड़ना है। पर हमारे पास टाइम कम है तो जल्दी जाओ यहाँ से, गाँव के अंदर तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। क्या 2 मिनट? 2 मिनट के अंदर तो मैं बिल्कुल वहां नहीं पहुंच सकता, मेरे पास तो अभी सोनिक की स्पीड ही नहीं आई है। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी देता हूँ, तुम उससे बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। गाड़ी? अरे कैसी गाड़ी? जो तुम्हारे पीछे है। क्या ये गाड़ी? अरे यार गाड़ी से मैं गांव के अंदर 2 मिनट में नहीं पहुंच सकता यार, गाड़ी तो स्लो होती है। पर यार मुझे कुछ करना होगा क्योंकि यार ये असल में गोल्ड सोनिक की गाड़ी है, तो इसके अंदर कुछ बहुत ज्यादा यूनिक होगा यार, मुझे जल्दी से यहाँ से पहुंचना होगा गांव के अंदर। पर गाइस यार इतने ज्यादा ट्रैफिक और इतने ज्यादा उल्टे सीधे रोड के अंदर मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा यार आखिर गोल्ड सोनिक ने सोच क्या रखा है यार। भाई कुछ ना कुछ तो इस गाड़ी के अंदर पक्का होगा जो गोल्ड सोनिक ने गाड़ी मेरे को दी है। तो गाइस यार अभी रोड खाली, शायद अब मुझे चलना चाहिए, देखते यार इस गाड़ी के अंदर ऐसा क्या खास है। अरे हट जाओ हट जाओ। ओ भाई ये क्या है? ओ माय गॉड ये गाड़ी तो यार उड़ सकती है। ओ भाई क्या बूस्ट है इसके अंदर। ओ भाई साहब इस स्पीड से तो मैं अभी पहुंच जाऊंगा गांव के अंदर यार, इसलिए उसने मेरे को ये गाड़ी दी है। भाई इस गाड़ी के अंदर तो अनलिमिटेड स्पीड है भाई, देख रहा हूं मैं गांव की तरफ पहुंचने भी वाला हूं। भाई क्या स्पीड से जा रही है गाड़ी, और ये फाइनली यार मैं गांव के अंदर पहुंच भी गया। क्या स्पीड है भाई इस गाड़ी के अंदर, देख रहे हो तुम लोग, और ये डायरेक्ट तुम्हारा भाई आ चुका है गांव में। तो लेट्स गो गाइस यहां पर जल्दी से अपनी गाड़ी को लैंड कराते हैं। तो यार तुम्हारा भाई असल में आ चुका है गांव के अस्पताल के अंदर, हो डायरेक्ट लैंडिंग तुम्हारे भाई की। और रुक जा गाड़ी नहीं रुक रही यार, चलो गाइस यार गाड़ी रुक चुकी है, अब जल्दी से यार वो मरीज को लेके आता हूं और उस डॉक्टर को लेके आता हूं। तो चलो गाइस यार जल्दी से अंदर चलते। ओ भाई ये सब क्या चल रहा है यहां पर? ओ भाई यार इन लोगों को देखो यार कैसे अंदर बंद कर रखा है। डॉक्टर साहब डॉक्टर, क्या आपको ही भेजा गया है हमारी मदद करने के लिए? हां मेरे को ही भेजा गया आपकी मदद करने के लिए। ओ नो गाइस यार यहां पर तो देख रहे हो कितने सारे लोग बेहोश भी हो चुके हैं यार, लगता है ये सभी लोग वायरस से पीड़ित हैं। अब क्या करें हम डॉक्टर? जल्दी से मुझे सिटी के अंदर लेके चलो, मुझे आखिर में पता लगाना होगा आखिर वायरस का क्या कारण है। यार मुझे एक मरीज और एक डॉक्टर को लेके जाना है, पर गाइस यार गाड़ी के अंदर जगह तो सिर्फ एक लोग की है। मैं सबसे पहले काम करता हूँ, डॉक्टर साहब आप मेरे साथ आइए, उसके बाद मैं मरीज को लेके जाता हूँ। जल्दी आइए डॉक्टर साहब, आइए डॉक्टर साहब जल्दी से मेरी गाड़ी के अंदर बैठिए। गाइस यार मेरे को फिर से कोई ना कुछ ऐसी चीज ढूंढनी होगी जिससे मैं उड़ाकर गाड़ी को डायरेक्ट लेके जा सकूं। वो गाइस देखो वहां पर मिट्टी के टीले हैं, उनके ऊपर से मैं अपनी गाड़ी को उड़ा सकता हूं। गाइस अब मुझे बस आराम से टेक ऑफ करना अपनी गाड़ी को, डायरेक्ट लैंड करेंगे हम वापस यार सिटी के अंदर। 1 2 3 गो। गाइस अब डायरेक्ट हम लोग लैंड करेंगे शहर के अंदर, लेट्स गो। भाई साहब हम लोग क्या स्पीड से जा रहे, भाई मेरे को सिटी नजर भी आने लग गई। चलो गाइस जल्दी चलते हॉस्पिटल पर। ओ गाइस यार
डायरेक्ट लैंडिंग हॉस्पिटल के सामने। ओह भाई साहब बहुत ज्यादा स्पीड थी भाई गाड़ी के अंदर। डॉक्टर साहब जल्दी से उतरिए यहाँ पर आप। आपका शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, जल्दी से एक मरीज को लेके आइए। हाँ गाइस यार हम एक डॉक्टर को लेके आ चुका, मेरे को जल्दी से मरीज को लेके आने। डॉक्टर साहब आप अंदर जाइए इतने। तो चलो गाइस यार अब मुझे एक मरीज को लेके आने, जल्दी चलता हूँ यार। सबसे पहले यहाँ से अपनी गाड़ी घुमाता हूँ, उस रैंप के ऊपर उड़ाते हैं यहाँ से। ओके गाइस आराम से 1 2 3। तो गाइस यार फिर से हमने उड़ान भर लिए, डायरेक्ट अब लैंड होंगे हम लोग जाके एक गाँव के अंदर। क्या स्पीड से जा रहे भाई। गाइस यार डायरेक्ट लैंडिंग हॉस्पिटल के बाहर ही होगी हमारी। अरे गाइस ये कंट्रोल नहीं हो रही, कहाँ पर हॉस्पिटल पूरा थोड़ा सा आगे ये। तो गाइस यार गाड़ी टूटती टूटती बची है। चलो गाइस यार मैं हॉस्पिटल से थोड़ा दूर लैंड हुआ हूँ, पर गाइस जल्दी से गाड़ी को घुमाते और हॉस्पिटल के पास पहुंचते। कहाँ पर गया वो रहा गाइस हॉस्पिटल, जल्दी चलते हॉस्पिटल के पास। फाइनल गाइस यार हम लोग आज को हॉस्पिटल, जल्दी एक मरीज को उठाता हूँ और लेके चलता हूँ उसे। कहाँ गाइस देख रहे हो वो रहा मरीज, उसे उठाते हैं जल्दी से। ओ भाई ये तो बेहोश पड़ा है, मेरे को उठाना होगा इसे। तो चलो गाइस यार मैंने मरीज को उठा लिया, जल्दी चलता हूँ यार गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और फिर से उड़ान भरते हैं यहाँ से निकलते। लेट्स गो गाइस, यहाँ से फिर से एक बार टेक ऑफ करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट हम जाएंगे सिटी के अंदर। और ये डायरेक्ट बूम, क्या ही मस्त वाली टेक ऑफ किया तुम्हारे भाई ने, अब डायरेक्ट पहुंचेंगे हम। तो फाइनल गाइस हम लोग पहुंच गए। चलो यार उतारता हूं यहां पर जल्दी से मरीज को। लो डॉक्टर साहब मरीज आ चुका है, जल्दी से इसको रिसर्च कीजिए और देखिए कौन सा वायरस है। आपका शुक्रिया, अगर आप आज नहीं होते तो गांव के अंदर कोई भी नहीं बचता, आपका हम शुक्रिया कैसे करें। अरे कोई जरूरत नहीं, आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिए। हो गाइस यार यहां पर मैंने दोनों काम कर दिए, लो देखो गोल्डन सोनिक, मैंने मेरा काम कर दिया। शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, तुम लायक हो गोल्डन सोनिक बनने के लिए, पर तुम्हें अभी एक और चैलेंज कंप्लीट करना है, चलो मेरे साथ। चेक इट आउट गाइस, देख रहा हूं मैं कितना ज्यादा ओसम लग रहा हूं यार, मेरे चश्मे देख रहा हूं मैं बन चुका हूं एक सुपर ड्यूड सोनिक और मैं कितना ज्यादा ओसम लग रहा हूं। ओ माय गॉड, चलो गाइस यार जाके पूछते यार गोल्डन सोनिक से अगला मेरा काम क्या होने वाला है। गोल्डन सोनिक तो मुझसे भी छोटे लग रहे, पर गाइस वो मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। गोल्डन सोनिक अब मुझे क्या करना है। वैसे लड़के तुम हर चीज को बहुत अच्छे से करते जा रहे हो, पर ये तुम्हारा आखिरी चैलेंज होने वाला है। इसके अंदर तुम्हें सिंपली क्या करना है, सामने जो तुम्हें बाबा दिखाई दे रहे हैं उनके पास एक पिज्जा है, एक जादुई पिज्जा, उसे खाने के बाद तुम बन जाओगे मेरी तरह एक पावरफुल सोने। जाओ लड़के ये तुम्हारा आखिरी चैलेंज है। क्या गाइस यार ये मेरा आखिरी चैलेंज होने वाला है। ठीक है गुरुजी दीजिए आपका आशीर्वाद। अरे अरे यार आशीर्वाद रहने दो, जाओ तुम। तो चलो गाइस चलते हैं यार बाबा जी से, सिर्फ मुझे वो पिज्जा लेना है। ओ गाइस एक सेकंड यार, ये बाबा जी के पास ही इतनी सारी लड़कियां क्या कर रही है, कुछ अलग ही माहौल है। अरे बाबा जी हेलो। ओ हाँ बालक क्या चाहिए तेरे को। अरे अरे बाबा जी मेरे को असल में आपके हाथ में जो पिज्जा है वो चाहिए, जिससे मैं बन सकूं एक गोल्डन सोनिक। ओ बालक मैं तेरे को ये पिज्जा नहीं दे सकता, मुझे क्षमा करना। क्यों मेरे को क्यों नहीं दे सकते आप। अगर तेरे को ये पिज्जा चाहिए तो तुझे मेरी मन की पूरी करनी होगी। मन की पूरी करनी होगी, आखिर मुझे क्या करना होगा बताइए तो आप, जो आप कहोगे मैं वो करूंगा। ओ लड़के तेरे को असल में इनमें से किसी एक को प्यार करना होगा। क्या ये आप क्या करा रहे हो, मुझको शर्म आ रही यार, इतनी खूबसूरत यहाँ पर लड़की है, मैं इनसे कैसे प्यार कर सकता हूँ, आप भी बात कर रहे हो। अरे मूर्ख तुझे शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए, तुझे असल में हमारे दो बच्चों से प्यार करना, मतलब ये दोनों। व्हाट क्या कहना चाह रहे हो, मैं सुअरों को प्यार करूं। अरे यार ये तो नहीं हो सकता यार। तो जाओ यहाँ से, तुम्हें पिज्जा भी नहीं मिलेगा। ओ नो गाइस यार अगर मुझे पिज्जा चाहिए तो मुझे इन दोनों को प्यार करना होगा यार, ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क, पर मुझे करना होगा। ओके ठीक है। ओ गाइस यार ये तो बहुत गंदा है, चलो करता हूँ। ओ गाइस ये क्या हुआ, मैंने इन सुअरों को चूमा और गाइस ये देख रहे हो इतनी खूबसूरत लड़कियों के अंदर बदल गया, आखिर ये सब क्या है। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमें शराब से मुक्त कर दिया, तुम्हारा शुक्रिया। ओ गाइस यार इन दोनों को असल में कोई शराब मिला हुआ था जिससे ये सुअर बने हुए थे। ओ बाबा जी आपने जैसा बोला मैंने कर दिया। शाबाश लड़के ये रहा तेरा पिज्जा, खा ले। चलो गाइस यार मैं मेरा पिज्जा खाता हूँ। देख रहे हो यार तुम्हारा भाई फाइनली बन चुका है गोल्डन सोनिक। तो गाइस यार आज के बस ना, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार भूल बढ़ के सब्सक्राइब कर देना और हम मिलेंगे सो करेंगे गेम प्ले में, जब तक के लिए सायोनारा।